एक और अहम खबर है, इलेक्शन कमीशन का सिंध काबीना के साबिक अरकान की जानिब से ताहाल प्रोटोकॉल लेने का नोटिस। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने आईजी सिंध और चीफ सेक्रेटरी सिंध को मुरासला लिख दिया है। तफसीलात जान लेते हैं, बोलने नुमाइंदे अकील अहमद से। अकील, क्या तफसीलात हैं? देखिए, बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से सिंध काबीना के जो साबिक अरकान हैं उनकी जानिब से ताहाल सरकारी प्रोटोकॉल और सरकारी आयशगाहों के इस्तेमाल पर नोटिस किया है, और इलेक्शन कमीशन की जानिब से आईजी सिंध और सेक्रेटरी सिंध को खत लिखा गया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि जो सिंध काबीना के तमाम जो साबिक अरकान उनसे 3 रोज तमाम मरात लेकर इलेक्शन कमीशन को जो है वो फौरी तौर पर रिपोर्ट किया जाए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये भी किया गया है कि जो साबिक अरकान इस वक्त जो प्रोटोकॉल और सियासी रिहाइशियां इस्तेमाल कर रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन के जो ज़ाब्ता अखलाक है उसके खिलाफ वर्जी है, और 3 रोज तक ने जो प्रोटोकॉल है बात ना किया तो इलेक्शन कमीशन इस पर सख्त नोटिस लेगा। तो अब इस 3 में इलेक्शन कमीशन ने आईजी सिंध और चीफ सिंध से जो है रिपोर्ट तलब की है और तमाम रात वापस लेने का दिया है। जी अकील, साथ ही रहेगा ये भी बताएगा कि इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान को भी मुरासला लिखा है, तो उसमें क्या कहा गया? ये देखें, बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान को भी आज खत लिखा गया है, और अहम ओहदों पर तैनात जो अफसरान को फौरी तौर पर हटाने का हुक्म दिया गया है, जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डेवलपमेंट, होम सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन तैनात है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से खत में कहा गया है कि ये अरकान जो है ये आम इंतखाबात की तैयारियों में जो है वो रुकावट साबित हो सकते हैं, तो इन अरकान को फौरी तौर पर हटाया जाए और 3 रोज के अंदर इलेक्शन कमीशन को हटाकर रिपोर्ट जो है वो जमा की जाए। जी बहुत शुक्रिया अकील इन तफसीलात के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।